सर दर्द जैसे कि हम सब की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम सबको कभी ना कभी सर दर्द ज़रूर होता है और है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो सिंपल आज के टाइम की प्रॉब्लम्स जो है वो है कि जो हम स्ट्रेन लेते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, उसकी वजह से हेडेक होता है। हमारी नींद पूरी ठीक से नहीं होती है, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। अगर ये हेडेक सिर्फ कभी कभी होता है, जैसे कभी महीने में एक बार हो गया या महीने में कभी दो बार हो गया, तो वो एक नॉर्मल हेडेक होता है जो आपको कभी कभी स्ट्रेन की वजह से हो जाता है। बट अगर उसके अलावा अगर ये रेगुलर है, ये ठीक नहीं होता है कुछ घंटों में, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस हेडेक होता है जो कि हमारे कुछ नर्व्स जो स्ट्रेस हो जाती हैं हमारे काम के वजह से, उसकी वजह से होता है। कई बार गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स की वजह से भी हेडेक्स होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं, ऐसे करके कई कारण हैं। तो अगर तो आपका हेडेक कभी कभी वाला है तो आप ठीक है, आप एक्यूप्रेशर कर लीजिए घर में और उसका हल निकल आएगा। बट अगर वो रिलीफ नहीं होता है और वो बार बार रिपीट होता है, तो आप डेफिनेटली अपने एक आसपास वाले डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। हाथ का सबसे पहला पॉइंट लोकेट करना बहुत आसान है। ऐसे करके दोनों हाथ जब हम पकड़ते हैं, ऐसे उंगली ऊपर, ये जो पॉइंट है जहाँ उंगली आती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उंगली और अंगूठे का ये जो रेज्ड हिस्सा है, जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, उस पे फिर हम आते हैं एल्बो पे। एल्बो से तीन उंगली छोड़ के ये जो उठा हुआ हिस्सा है, इस पे सर पे ये जो हमारे बालों की लाइन है, इससे हल्का सा अंदर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा अंदर इस पॉइंट पे दोनों तरफ हर एक पॉइंट को दो दो मिनट के लिए दबाना है। अब दूसरा पॉइंट है एकदम सर के सेंटर पे। अब वो सेंटर हम कैसे देखेंगे, ये जो कान है दोनों तरफ से, इनकी सीध में और नाक की सीध में, ये वाला पॉइंट अगर थंब से नहीं होता है तो आप इंडेक्स फिंगर, मतलब जो हमारी पहली फिंगर है, उससे भी दबा सकते हैं। हर पॉइंट को दो दो मिनट के लिए ही दबाना है। अगर ज़्यादा दर्द होता है तो उसको दबाइए और छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर जो आपके कान हैं, जहाँ आपका कान का उछला हिस्सा है, यहाँ ठीक यहाँ पे दोनों तरफ के पॉइंट्स। वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।